अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉइंग योर वर्क। बेटा इट्स योर एसएसटी टाइम, सो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 61। द टॉपिक इज़ माय नेबरहुड। बेटा इन लास्ट वीक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस व्हिच इज सिचुएटेड इन योर नेबरहुड। नाउ टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कीप आर नेबरहुड क्लीन। बेटा लेट्स स्टार्ट रीडिंग। आर नेबरहुड मस्ट बी अ प्लेस वी आर प्राउड ऑफ। बेटा हमारा जो नेबरहुड है वो एक ऐसी जगह होता है कि जिसको जिस पे हमें फ़ख्र होता है। देयर फॉर वी शुड कीप इट क्लीन, इसलिए हमें उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अब देखें कि एवरी वन कैन हेल्प, यानी हर कोई जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है। एवरी वन कैन हेल्प टू कीप द नेबरहुड क्लीन, हर एक जो है वो हेल्प कर सकता है नेबरहुड को क्लीन रखने के लिए, अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ़ सुथरा रखने के लिए। डू नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड और इन द स्ट्रीट, जो गार्बेज है कूड़ा करकट जो है वो ग्राउंड ज़मीन पर या गलियों में इधर उधर मत फेंके। डू नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, अपने घर के इर्द गिर्द जो है वो गंदे डर्टी वाटर गंदे पानी को कलेक्ट जमा ना होने दें। टुडे इज़ ट्री प्लांटिंग डे इन गार्डन एवेन्यू। बेटा आज वो कहते हैं कि गार्डन एवेन्यू में जो है ट्री प्लांटिंग डे है, यानी दरख्त लगाने का दिन है। द पीपल ऑफ द कलोनी आर प्लांटिंग सैपलिंग्स अराउंड द पार्क, जो लोग हैं कॉलोनी के जो लोग हैं वो छोटे छोटे जो हैं वो पार्क के इर्द गिर्द जो है वो पौधे लगा रहे हैं। आर पेरेंट्स ब्रॉट सम सैपलिंग्स फ्रॉम अ नर्सरी, हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी कुछ सैपलिंग्स यानी जो नए छोटे पौधे हैं जो पनीरी है वो मंगवाई है नर्सरी से। सम अदर पीपल ज्वाइंड अस, कुछ और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया। एंड नाउ देयर आर 30 सैपलिंग्स, और अब यहाँ हमने कितने जो हैं बेटा छोटे पौधे लगा लिए हैं 30। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड प्रोमिस्ड, जो हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे हैं उन्होंने प्रोमिस्ड वादा किया है टू वाटर द सैपलिंग्स एवरी डे, कि वो सैपलिंग्स को डेली रोज़ाना पानी दिया करेंगे। सून द सैपलिंग्स विल ग्रो इन टू टॉल ट्रीज, जल्द ही ये छोटे नन्हे पौधे जो हैं वो बड़े दरख्त बन जाएंगे। हेयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, बेटा इन सम पार्क यू विल फाइंड अ ग्रीन एंड अ ब्लू डस्टबिन। आपने अक्सर पार्क में दो तरह की डस्टबिन देखी है, एक का ग्रीन कलर होता है और एक का ब्लू। थ्रो लीव्स फ्लावर्स फूड एंड पेपर्स इन द ग्रीन डस्टबिन, बेटा जो ग्रीन डस्टबिन है ऑलवेज थ्रो लीव्स फ्लावर्स फूड एंड पेपर, ठीक है, इन दैट डस्टबिन। नेक्स्ट है थ्रो प्लास्टिक पैकेट्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स इन द ब्लू डस्टबिन, बेटा जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो आपने हमेशा जो है वो ब्लू डस्टबिन में फेंकना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नोट, सो टेल इट एवरीबडी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।